IBN 7 Horsefly. नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। कभी वर्दी की किरण, कभी समाज सेवा की किरण, कभी आंदोलन की किरण, तो कभी सियासत की किरण। चार दशक से वो चेहरा पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। जिस बुलंद शख्सियत ने देश की करोड़ों बेटियों को वर्दी पहनने का हौसला दिया, जिसने सिस्टम से टकराने की हिम्मत की, और किरण बेदी अब नए किरदार में देश के सामने है। सियासत के सफर में किरण बेदी अब बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। प्रधानमंत्री जी का पूरा करना है तो साथियों, ये आंदोलन करना होगा या करवाया जाएगा। करोगे या करवाओ, बोलो। पुलिस से पहले मैं लेक्चरर थी, मैं 2 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है अमृतसर खालसा कॉलेज को विमेन में, मुझे पढ़ाना भी आता है। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, मंच बदल गए, झंडे बदल गए, लेकिन वक्त की करवटों में कुछ नहीं बदला तो खुद किरण। कि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है, वो मैं एक्सपीरियंस करेंगे मिलकर। देश को बदलने की, दौर को बदलने की एक जिद आज भी छिपी है इन अल्फाजों में। हम रोज काम करेंगे, धीरे धीरे धीरे, जल्दी या धीरे, समय की बात होती है। ये जरूर एक दिन वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी होगी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और ये सपना हम सब मिलके पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन देश को बदलने की ये जिद अचानक शुरू नहीं हुई है, बल्कि ये जिद शुरू हुई थी कुछ जज्बातों से, जो 14 बरस की उम्र में ही किरण का जुनून भी बन गए। एक लेडी थी सरला ग्रेवाल, वो डेप्टी कमिश्नर थी हिमाचल में। मुझे डैडी उसके बारे बताते होते थे कि वो देखो डेप्टी कमिश्नर है, सारे जिले को संभालती है। तो सरकार का जो पोटेंशियल था वो मेरे मुझे आकर्षित करता था कि सरकार का मतलब सेवा, सेवा थ्रू पावर। दैट मीन्स जब मैं पावर से सेवा करूंगी मेरी बात मानी जाएगी। ये नहीं हाथ जोड़ के कहूंगी कर लो, नहीं नहीं नहीं, मुझे डंडा तो है पीछे पड़ा। मतलब है आई कैन गेट इट डन, अगर जो अच्छी बात है, करेक्ट बात है, मैं आई कैन गेट इट डन। तभी मैंने एनसीसी यूनिफॉर्म पहन लिया था 14 साल की उम्र में। 14 साल से लेके 18 साल तक जब तक मैं कॉलेज में रही, आई वॉज अ 4 ईयर 100% गुड एनसीसी स्टूडेंट। आई लव्ड द खाकी, I loved parades, I loved hard work, वो जो discipline, जो command, वो platoon, वो team leadership, उस सब का शौक आपको बचपन से। जबरदस्त। 14 बरस की किरण, जिसने खुद से पहली शर्त लगाई, और वो शर्त थी देश की पहली महिला टेनिस स्टार बनने की। हाथों में रैकेट थामा और जमाने से पंजा लगाने निकल पड़ी। मेहनत वो 100%। It was the extra mile. Daddy's word was extra mile. Where's your extra mile for the trophy? मैं 10 राउंड लगा ली टेनिस कोर्ट के, खूब भागी खूब भागी। मैंने पापा अब मैंने भाग लिया, बोले ऑल राइट, 1 राउंड फॉर द ट्रॉफी। तो मैं गिरती हुई भी एक्स्ट्रा राउंड, दैट वॉज द विनिंग राउंड। किरण बेदी ऑल इंडिया और ऑल एशियन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब भी जीत चुकी थी, लेकिन अभी किरण के लिए ये खेल सिर्फ शौक था और देश को बदलने का मिशन एक जुनून। She was exceptional, brilliant, always for the progress of the country and her own self, society. She was wonderful. She was groomed as a future country's leader. किरण
उनके इरादे बड़े थे, सपने बड़े थे, और वही सपने किरण बेदी को उस मुकाम पर ले आए जहां उससे पहले देश की कोई महिला नहीं पहुंची थी। वो मुकाम था देश की पहली महिला आईपीएस अफसर बनने का। किरण की कामयाबी अखबारों की सुर्खियां बनी। किरण मसूरी की आईएएस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भी पहुंच गई, लेकिन तभी दिल्ली से एक संदेश मिला। किरण बेदी को दिल्ली से गृह मंत्रालय का बुलावा आया था। गृह मंत्रालय चाहता था कि वो आईपीएस छोड़कर आईएएस को चुने, लेकिन दिल्ली आकर किरण ने अपना फैसला सुना दिया कि वो किसी भी कीमत पर ये वर्दी नहीं छोड़ेंगी। आईपीएस मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस ली क्योंकि मुझे आईपीएस का जो पुलिस ऑफिसर की जो यूनिफॉर्म थी वो मुझे एक सिंबल ऑफ गवर्नमेंट करेक्शन एंड पावर एंड अथॉरिटी थी। ही इज द चेंज एजेंट, वो सिंबल। अगर मैं आईएएस वगैरह में चली जाती तो मैं शायद ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताती। पुलिस ऑफिसर जो है वो फील्ड में ज्यादा होता है, दिखता है, यूनिफॉर्म होता है, उसके बाद अथॉरिटी होती है, उसके बाद जोश होता है, फिटनेस होती है, पावर होती है, सब कुछ होता है, सर्विस का ज्यादा मार्दा होता है, इंस्टेंट देता है। छोटे होते जब मैं टेनिस प्लेयर नहीं थी जब, तो मैं डॉक्टर बनना चाहती क्योंकि मुझे हील करना बहुत अच्छा लगता, किसी को खुश करके भेजना, ये लो दवाई, सोल्यूशन, हाँ बीमार हूँ ये लो दवाई जाओ, दैट मीन्स मैं खुश, मैं कल ठीक हो गई। पुलिस ऑफिसर मेरे लिए डॉक्टर था, जिसका चौकी समाज के लिए एक दवाई था सुधारने के लिए, तो मुझे सुधार की शक्ल उसमें नजर आती। ये उड़ान अकेले किरण के हौसलों की नहीं थी, बल्कि वो वर्दी देश की सैकड़ों बेटियों को जमाने के दस्तूर से टकराने की हिम्मत दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि किरण बेदी की राह आसान थी, बल्कि किरण की जिंदगी में असली चुनौती आनी अभी बाकी थी, क्योंकि किरण मर्दों की उस भीड़ में अकेली महिला थी। ट्रेनिंग में जब मैं थी तो मेरे ऑफिसर्स बैचमेट्स को पता था मैं कौन हूँ, लेकिन जब मैं पोस्टिंग में आई तो फिर मेरे जूनियर्स को नहीं पता था मैं कौन। दैट्स राइट। मैं देखती थी कि जब मैं जूनियर से बात कर रही हूँ मुझे सुन नहीं रहे, वो सिर्फ देख रहे हैं ये कौन है, तो फिर देख रहे हैं कि मैं कौन है, ये कौन है, ये क्या करेगी आकर। सो देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क, बट उसको समय लगा। जिस तरीके से फिर मैंने उनसे संपर्क करना शुरू किया, उनको लीड करना शुरू किया, उनके साथ बैठ के काम करना शुरू किया, उनको छुट्टियां भी देने लगी, उनको इनाम देने लगी, उनको उनके लिए बोलने लगी, उनको वेलफेयर ओरिएंट करने लगी, तब उन्होंने कहा तो लड़की अच्छी है, तो ये तो अच्छी है क्योंकि ये तो हमारे सब भले को भी देखती है, काम भी करवाती है और रिकॉग्नाइज भी करती है। तो समय लगा। किरण को वो वर्दी तो मिल चुकी थी, लेकिन सिस्टम से टकराना अब भी बाकी था। शुरुआती दौर में किरण का सामना भी सिस्टम के काले चेहरे से ही हुआ। Were you ever offered a bribe? Yes. How? In the early stages of my career. Who? Businessmen. Oh, businessmen. Yes. Who wanted their houses to continue to be gambling dens for Diwali? So they would come saying, आपकी बेटी के लिए। मतलब? ये आपकी बेटी के लिए। आपके लिए नहीं, बेटी के लिए। Oh. For your daughter. And my daughter would be 3-4 years old. कितना देते? Sometimes they'd bring a golden wristwatch or a golden necklace. My daughter would be running around saying, hey, beti, idhar aao, shabash, baitho. And say, yeh, main tere liye aaya, dekho, pehno. Poor girl wouldn't even know what to do. She'd look up to me and I'll say, out. You out and you out. I think the message was loud and clear. पूरे देश में किरण बेदी का नाम पहली बार गूंजा साल 1975 में, जब गणतंत्र दिवस की परेड में किरण बेदी ने दिल्ली पुलिस के दल को लीड किया। तालियों के शोर के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किरण के हौसले को सलाम किया। अपने करियर में किरण बेदी ने डीआईजी, चंडीगढ़ गवर्नर की सलाहकार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डीआईजी और पुलिस महानिदेशक जैसे पदों पर वर्दी की शान बढ़ाई। लेकिन पहचान के बाद किरण बेदी को नया नाम मिला एक दिलचस्प वाक्य के बाद। बात 1982 की है, जब किरण बेदी दिल्ली की ट्रैफिक कमिश्नर बनी। एशियन गेम्स सिर पर थे और दिल्ली में ट्रैफिक के कायदे कानून सख्त हो चुके थे। अपने फर्ज को निभाते हुए किरण बेदी ने नियमों के उल्लंघन पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी को क्रेन से उठवा लिया था, और इस वाक्य के बाद किरण बेदी क्रेन दीदी के नाम से मशहूर हो गई। उनकी गाड़ी रॉन्गली पार्क थी कनॉट प्लेस में, अपहोल्स्ट्री करने आई थी, कुछ पार्किंग लॉट था नहीं, तो क्रेन लग गई उसको भी। तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं है कि पीएम हाउस की गाड़ी है,
तो उन्होंने कहा कि नहीं तो क्या हो गया, कुंडा एक बार लग गया क्रेन के साथ, पैसे तो देने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पता नहीं है। तो बोले पता हो या नहीं, लग गया तो बड़ा भार पथरा हुआ, राइट हुआ, तो उसने फाइन तो पूरा दिया, फाइन उन्होंने पूरा दिया। और मेरा एक सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह था वहां पर, सब इंस्पेक्टर था वो, इंस्पेक्टर है, तो उसने मुझे मैसेज दिया कि मैडम ये तो ये हुआ। मैंने कहा मुझे क्यों बोलते हो, ये तो काम ही हमारा यही है, मुझे बिना पूछे आप काम करेंगे और मैं आपके पीछे हूँ। फिर उसके बाद मेरे डीआईजी ने, तब मिस्टर अशोक टंडन थे, तो उन्होंने कहा किरण को कहने का कोई फायदा नहीं है, कोई कहता नहीं है, यू फॉलो द रूल्स। तो फिर भी हमारे पास दबाव आया इस ऑफिसर को बदलने का, हमने नहीं बदला। निर्मल सिंह वहां से नहीं गया जब तक मैं डीसीपी ट्रैफिक रही, क्योंकि उसने वही किया जो हमारी पॉलिसी थी। यू वॉन्ट बिलीव इट कि एज डीसीपी ट्रैफिक मैंने एक भी चलान माफ नहीं किया, एक भी चलान माफी के लिए मेरे पास नहीं आया। उसमें वीआईपी हो या नॉन वीआईपी, लॉ वॉज अबव एवरीबडी। यहां तक कि राजीव गांधी जी जब कॉमनवेल्थ गेम्स के उस वक्त हेड थे, नॉट कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स के, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला पार्किंग लेबल लेकर आओ नहीं तो मेरा चलान हो जाएगा, इवन ही न्यू के हो जाएगा। सो इट दैट वॉज द फियर ऑफ लॉ, बट दिस इज ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर लॉ। किरण के पुलिस करियर में असली मुकाम अब भी बाकी था। 1993 में जब किरण बेदी तिहाड़ जेल की पुलिस महानिदेशक बनकर दिल्ली आई, 7200 कैदियों वाली इस जेल की सूरत बदलने लगी। कैदियों को सजा नहीं, जिंदगी की सही राह पर लाने का मिशन शुरू हुआ। जेल में आर्ट ऑफ लिविंग, योग, ध्यान, खेलकूद और विपस्याना का दौर शुरू हो गया और चंद ही दिनों में तिहाड़ जेल कैदियों के लिए आश्रम का रंग ले चुका था। पहली डिस्ट्रिक्ट असाइनमेंट जो मैंने की 1980 में, जब मेरी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट असाइनमेंट थी, उसमें हमने बहुत सारे न्यू पुलिस मेथड्स अडॉप्ट किए, जैसे बीट बॉक्स। पहली बारी एक बीट बॉक्स सिस्टम बना, पहले था पुलिस असिस्टेंस बूथ, ये था बीट बॉक्स जिसमें पुलिस ऑफिसर बीट का अपने बॉक्स में बैठता था 2 घंटे के लिए और पब्लिक उसको मिलती थी कि पता है ये 2 घंटे की। सो एक नई शुरुआत हुई बीट बॉक्स की। फिर हमने इश्तेहार निकालते थे, ये नंबर है कंट्रोल रूम का, कोई क्राइम हो इस नंबर पे देना। लोग हमें एक इन्फॉर्मेशन देते थे, हमने कई मर्डर केसेस सॉल्व किए पब्लिक के टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन से। शराब कच्ची बड़ी बिकती थी, कच्ची शराब बंद हो गई तो हम लोग ट्रक घुमाते थे जिस वक्त कच्ची शराब बिकती थी, इकट्ठा करके उनको थाने के बाहर बुलाते थे और संगीत कराते थे, भजन कराते थे। शराब बेचने के टाइम पर थाने में भजन कर रहे तो उनकी बिकती सारी बिक्री बंद हो गई। उन्होंने फिर हमारे पास आके काम को काम दे दो, हमको रिफॉर्म करो। तो फिर अब मिस्टर जगमोहन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की और हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनको हमने काम दिलवाया। फिर उसके बाद मैं ट्रैफिक में चली गई, वहां क्रेन का दौर शुरू हो गया, फिर गाड़ियां उठनी शुरू हो गई क्योंकि लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। उसमें ब्यूरोक्रेट्स की भी गाड़ियां, मिनिस्टर्स की भी गाड़ियां, वीआईपीज की भी गाड़ियां, पुलिस अफसरों की भी गाड़ियां, मेरे रिश्तेदारों की भी गाड़ियां। तो आपका नाम क्रेन वेदी पड़ गया। तो बदल गया। फिर एशियन गेम्स थी बड़ी जबरदस्त, 19 स्टेडियम्स की मैनेजमेंट, उसमें हमने तमाम लोगों को, स्टूडेंट्स को जोड़ दिया ट्रैफिक सर्विस में और स्टूडेंट्स के थ्रू हमने कई जगह चौराहे पर ट्रैफिक चलाई। दैट वॉज अ ग्रेट असाइनमेंट अगेन। इसी तरीके फिर मैं नॉर्थ दिल्ली गई तो नॉर्थ दिल्ली में नशा मुक्ति केंद्र हमने खोल दिए जहां से नवज्योति संस्था बनी। तो अभी तक वो नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है। वो क्यों खोला? अपराध सुधार के लिए। नशा करते थे, अपराध करते थे, माताओं को मारते थे, तो हमने कहा चलो इलाज के लिए। तो इलाज के लिए 8 पुलिस स्टेशन से 8 क्लिनिक्स चले, 8 क्लिनिक्स थानों में चले। आज एक भी क्लिनिक खोल के देखो थाने में खुलेगा ही निकल। उसके बाद फिर मैं मिजोरम गई तो मिजोरम में भी हमने फुटबॉल खेली बहुत, उधर पब्लिक को संपर्क किया और वहां पर जितने पुराने अपराधी थे उनको थाने में बुला के चर्च के साथ म्यूजिक करते थे क्योंकि म्यूजिक के बहुत शौकीन है। हमने वहां म्यूजिक के साथ अपराध सुधार जिधर जो चला वो करा। फिर तिहाड़ जेल में आ गए तो तिहाड़ जेल तो फिर बाद अलग अलग होगी। ये सी 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस मुझे तब तिहाड़ लेके गया। तो तिहाड़ सडनली नहीं था, तिहाड़ के पीछे ये क्राइम प्रिवेंशन और सुधार की बैकग्राउंड थी जिसका फायदा था। 35 साल के पुलिस करियर में किरण बेदी का कई विवादों से भी सामना हुआ। कभी वकीलों की हड़ताल हुई तो कभी साथियों के आरोप, कभी जबरन ट्रांसफर तो कभी प्रमोशन की अनदेखी। लेकिन तमाम विवादों के बीच किरण बेदी ने मंजिल की राह नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन से।
और इस वर्दी के पीछे हर वो जज्बात भी छिपे थे जो उस उम्र में हर लड़की के होते हैं। शायद आप नहीं जानते कि इस तेज तर्रार सुपरकॉप में एक मासूम और चुलबुली लड़की भी छिपी है। अब हम आपको किरण बेदी की जिंदगी की कुछ ऐसी कहानी दिखाएंगे जो शायद अब तक आपने नहीं सुनी, यानी किरण बेदी की एक छोटी सी लव स्टोरी। इस वर्दी, इस रौबदार शख्सियत के पीछे एक ऐसी किरण की कुछ ऐसी कहानियां भी दबी हैं जो शायद हर लड़की की जिंदगी का हिस्सा बनती हैं। कहानी एक मोहब्बत की है, कहानी उस शख्स की है जो मुश्किल सफर में भी किरण का हमसफर बना, यानी किरण के पति ब्रिज बेदी। ब्रिज बेदी और किरण की मुलाकात उसी टेनिस कोर्ट में हुई थी जहां किरण ने कामयाबी के कई मकाम हासिल किए। ब्रिज और किरण एक साथ एक ही टेनिस क्लब में खेलते थे, लेकिन खेल खेल में एक नया सिलसिला शुरू हो गया। He and my daddy were tennis crazy, huh? So they would be out on the tennis court much early. He was a university champion, but I used to beat him. But what I liked about him is he didn't mind losing from me. Mm-hmm. You see, he didn't mind losing, and he loved losing to a better player. Mm-hmm. So he used to admire my tennis, respect my tennis, and he also knew that I was going to play tennis. So I needed time. I'm short of time. So he gave me time. He gave me time. कि तुम खेलो, मैं बाद में खेलूंगा। तो इसे कौन सा आदमी है, कैसा जीता है, कौन अपनी जगह देता है। आई टू रियली लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज टेनिस एंड वी वर मेंबर्स ऑफ द सेम क्लब। तो लव एट फर्स्ट साइट नहीं था ना? इट वाज टेनिस, लव थ्रू टेनिस। ओके, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। इट वाज लव थ्रू टेनिस रैकेट। ब्रिज बेदी अमृतसर के ही रहने वाले थे, लेकिन टेनिस के बाद दोनों के रास्ते जुदा हो गए। ये रिश्ता दोस्ती की दहलीज पर ही सिमट गया। इसी बीच दिल्ली में ब्रिज बेदी का रिश्ता भी तय हो गया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ वक्त पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में ब्रिज ने बताया कि मैं 27 साल का था और किरण 21 साल की। मेरी शादी दिल्ली में तय हो चुकी थी, लेकिन अचानक मेरी मुलाकात फिर किरण से हुई। किरण ने कहा कि अगर मेरी सगाई टूट जाएगी तो वो मुझसे शादी कर लेंगी। किस्मत से कुछ महीने बाद ऐसा ही हुआ, मेरी सगाई वाकई टूट गई और हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। शुरुआत में किरण बेदी का परिवार इस शादी के खिलाफ था। किरण के परिवार को इस शादी पर एतराज था, लेकिन उसने अपने पिता को मना लिया और आखिरकार हमारी शादी बिना दहेज, बिना फिजूल खर्च के हो गई। 9 मार्च 1972 को किरण और ब्रिज बेदी हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। बेशक ब्रिज बेदी कैमरे की नजर से दूर रहे, लेकिन पंजाब में समाज सेवा के क्षेत्र में ब्रिज बेदी एक बड़ा नाम है। पंजाब में ड्रग्स को लेकर ब्रिज बेदी की मुहिम को देश और विदेश में कई सम्मान मिले। खुद किरण बेदी भी मानती हैं कि पुलिस की नौकरी में पति के साथ के बिना ये मकाम हासिल करना उनके लिए नामुमकिन था, जबकि ब्रिज बेदी भी किरण के हौसले को सलाम करते रहे। हेलो जज साहब, सरप्राइज्ड, आप पुलिसिंग करते करते जज बन गए और मॉडल भी। अरे वाह, मेरा भी दिल करता है कि मैं मॉडल बन जाऊं। किरण, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, दिस इज योर न्यू इनिंग्स एंड आई होप यू विल डू वेरी वेल फॉर द सोसाइटी। वी नीड लॉट्स ऑफ किरण्स, मोर किरण्स लाइक यू इन इंडिया टू ब्रिंग ए चेंज इन दिस कंट्री। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट आई मैरिड यू 37 इयर्स बैक। किरण, यू आर डूइंग सो वेल। आई विश यू कुड स्टार्ट लोक अदालत and bring all the people with their problems to your kachari and solve their problems. All the best, good luck. Oh, thank you so much. किरण की शख्सियत पर जितना फक्र उनके पति को है, उतना ही गर्व हर हिंदुस्तानी को भी है। उस रौबदार वर्दी में किरण बेदी की वो तस्वीरें पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल हैं। हर बचपन की मुराद बनकर सामने है। उन तस्वीरों ने देश की करोड़ों बेटियों के दिलों में ये तमन्ना जगाई कि मैं किरण बेदी बनना चाहती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली की दबंग दीदी। 2007 में कई विवादों के बीच किरण बेदी ने जिंदगी का एक बड़ा फैसला किया। वो फैसला था पुलिस की नौकरी छोड़ने का। किरण बेदी ने वीआरएस ले लिया। बेशक उस फैसले के बाद किरण ने वर्दी छोड़ दी, लेकिन वो मिशन नहीं छोड़ा जिसके लिए ये वर्दी पहनी थी, यानी देश में बदलाव की उम्मीद जगाने का। वर्दी से वीआरएस के बाद किरण बेदी की राह जरूर बदली, लेकिन दिल में देश को बदलने का वो मिशन जिंदा रहा और सामने आई एक नई किरण बेदी। किरण ने कई स्वयंसेवी संस्थाओं का हाथ थामकर बदलाव की राह में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। ड्रग्स की रोकथाम, भ्रष्टाचार, पुलिस रिफॉर्म जैसे कई मुद्दों पर आवाजें बुलंद की। बतौर आईपीएस और बतौर समाज सेवी किरण बेदी को कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया। 1989 में किरण बेदी राष्ट्रपति के गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित हुई। 1980 में किरण बेदी वुमेन ऑफ द ईयर बनी। 1991 में किरण को एशिया रीजन अवार्ड फॉर ड्रग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से नवाजा गया। इसके अलावा किरण बेदी 1994 में मैग्सेसे अवार्ड्स, 1999 में प्राइड ऑफ इंडिया जैसे अवार्ड से सम्मानित हुई। 3 साल तक कई स्वयंसेवी संस्थाओं में काम करने के बाद जिंदगी किरण को कहीं और खींच ले गई और वो मुकाम था अन्ना हजारे का आंदोलन। में किरण बेदी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ी और जमीन पर उतरकर हुकूमत को ललकारने का सिलसिला शुरू हो गया। द राइज इन प्राइस, मैल गवर्नेंस, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल फ्यूल्ड बाय करप्शन। इट्स फ्यूल्ड इन्फ्लेशन, हायर प्राइसेस, एलियनेशन ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम अ कॉमन मैन सफरिंग इन एवरी पॉसिबल वे इज primary reason is anti-corruption because the hard-earned money of a common man goes into corrupt practices. The entire money does not go to people. It goes into the pockets of the corrupt to fuel elections and to fuel their own comforts. देश को बदलाव की आंधी में अन्ना हजारे में नया गांधी दिखाई दे रहा था और किरण बेदी भी उस भीड़ में नए आंदोलन को आवाज दे रही थी। अगर एक पॉइंट प्रोग्राम हमारा हो जाए कि हम सब मिलके ऐसा कानून बनाएं जहां कानून से सब डरे और अगर पकड़े गए तो पैसा भी वापस आएगा, जेल भी शर्तिया होगा और आपको वापस पॉलिटिकल पावर तो नहीं मिल सकती फिस्क, और अगर सरकार में है तो डिसमिसल विल बी द रूल। इसीलिए आज सारा ये सारी सिविल सोसाइटी के लोग आज इकट्ठे हुए हैं ताकि देश में एक ऐसा लोकपाल बिल आए जो कि अभी तक नहीं आया है। अभी तक भारत सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकपाल बिल नहीं आया है जो कि करप्ट पॉलिटिशियंस को, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को और करप्ट कॉरपोरेट्स को पनिश कर सके, क्योंकि ये तीनों की सांठगांठ जब तक नहीं होती है तब तक बेईमानी नहीं होती है। पॉलिटिकल बेईमानी, एडमिनिस्ट्रेटिव बेईमानी और कॉरपोरेट बेईमानी, अगर ये तीन बेईमानियों को अंकुश लगाने के लिए सही लोकपाल बिल आ गया, क्योंकि लोकपाल बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब आएगा तो लोक आयुक्त स्टेट्स में भी आएगा, और अगर ये आता है तो शर्तिया करप्ट पैसा वापस देश को वापस रहेगा। अन्ना जेल गए तो किरण दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर जज्बातों की चिंगारी को शोला बनाती रही। अन्ना ने अनशन किया तो किरण बेदी मंच पर तिरंगा लहराती रही। देश बदलाव की उम्मीद में था और अन्ना हजारे के साथ किरण बेदी भी उस उम्मीद का एक चेहरा बन चुकी थी। 16 अगस्त 2011 को आंदोलन के दौरान किरण बेदी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो गिरफ्तारी भी हौसले को कमजोर नहीं कर पाई। जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर किरण बेदी भी अन्ना और अरविंद केजरीवाल के साथ मैदान पर डटी रही। इंकलाब, 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 इंकलाब,
लिए भारत का इतिहास बदलते देख रहे हो, क्योंकि ईमानदारी लौट रही है, ईमानदारी, इंसाफ, सत्ता की भूख नहीं, सेवा की भूख लौट रही है। ये सेवा की भूख लौट रही है, ईमानदारी की जीत हो रही है, ईमानदारी लौट रही है, नेक इंसानों के लिए जगह बन रही है वापस, और वो जो मसल पावर और मनी पावर थी वो उसके बदले मॉरल पावर वापस आ रही है, जिसको कहते हैं नैतिक पावर। सो मैं ये समझती हूँ एक बड़ा जबरदस्त आप इतिहास देख रहे हैं। किरण बेदी सिविल सोसाइटी की इस कमेटी में शामिल हुई जिसने जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। सरकार अपनी जिद पर खड़ी थी और आंदोलन अपनी शर्तों पर जारी था। सरकार से बातचीत का रास्ता निकालने के लिए भी किरण बेदी ने कई पहल की, लेकिन रास्ता नहीं मिला तो दोबारा रामलीला मैदान पर आंदोलन की मशाल जला दी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आंदोलन की वो कहानी किसी अंजाम तक पहुंचने से पहले ही खत्म होने लगी। एक राजनीति के खिलाफ उठे आंदोलन को फिर राजनीति की शक्ल दी जाने लगी। दुर्गा में हमारा के टीम टूट रही है, लेकिन टूटने से भी हमारा मंजिल एक है। किरण इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन दूसरी तरफ लोकपाल की आवाज भी लोकसभा के सपने में बदल रही थी, लिहाजा रास्ते जुदा हो गए और किरण की जिंदगी का नया दौर शुरू हो गया। एक जमाना था जब किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के मंच से एक साथ बदलाव को आवाज दे रहे थे, लेकिन उस आंदोलन को बीच राह पर छोड़कर केजरीवाल ने सियासत का हाथ थाम लिया और यहीं से किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल की सोच का पहला टकराव शुरू हुआ। वक्त बीतता गया, सियासत बदलती गई, मुद्दे बदलते गए और उस टकराव की लकीर लंबी होती गई। दो हाथ, दो चेहरे और एक झंडा, एक ही मन से अन्ना हजारे, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल एक ही आंदोलन को आवाज दे रहे थे। अब तक टीम अन्ना के बीच कोई लकीर नहीं थी। केजरीवाल और किरण बेदी एक ही आंदोलन के दो चेहरे थे। लेकिन अचानक उस आंदोलन को, लोकपाल बिल के उस मुद्दे को, जनता के उन जज्बातों को बीच मझधार में छोड़कर अरविंद केजरीवाल ने उसी राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। बस यहीं से किरण बेदी और केजरीवाल के रास्ते अलग हो गए। ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। कोई ऑपोजिशन नहीं बचा इस देश के अंदर, ऑपोजिशन में तो हम और आप हैं, बाकी सारे सत्ता के अंदर है। बीजेपी भी सत्ता में है, कांग्रेस भी सत्ता में है, शरद पवार भी सत्ता में, लालू यादव भी सत्ता में, मायावती भी सत्ता में, मुलायम सिंह यादव भी सत्ता में, हम लोग ऑपोजिशन के अंदर है, मैं और आप ऑपोजिशन के अंदर। तो साथियों, कोई चारा नहीं बचा, ये तो करना ही पड़ेगा, चुनावों में कूदना ही पड़ेगा, संसद को साफ करना ही पड़ेगा, विधानसभाओं को साफ करना ही पड़ेगा। ये आपकी पार्टी है, ये उन हजारों लाखों लोगों की पार्टी है जो रामलीला मैदान के अंदर आए थे, ये उन हजारों लाखों लोगों की पार्टी है जो जंतर मंतर के ऊपर आए थे, ये इस देश के लोगों की पार्टी है जो भ्रष्टाचार से ऊब चुके हैं, भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं, उन लोगों की पार्टी है। अन्ना आज भी उस मोड़ पर रुके हुए हैं, लेकिन अन्ना के साथ ही एक ही मंजिल के दो नए रास्ते तलाश चुके हैं। एक तरफ केजरीवाल हैं, जो आदर्शवाद के आंदोलन से अवसरवाद की सियासत तक पहुंच गए, तो दूसरी तरफ हैं किरण बेदी, जो अब एक नई सियासत का नया चेहरा बनकर सामने आई हैं। एक ही राह के वो दो मुसाफिर
आज दिल्ली की राजनीति में आमने सामने आ चुके हैं। सियासत अलग है, मुद्दे अलग हैं, नारे अलग हैं और फितरत भी अलग है। केजरीवाल सत्ता का हाथ थामने को तैयार थे, लेकिन किरण बेदी को सत्याग्रह का साथ छोड़ना मंजूर नहीं था। केजरीवाल सियासत के सफर पर निकल पड़े, लेकिन किरण बेदी ने अन्ना का साथ नहीं छोड़ा। लोकपाल बिल के मुद्दे को लेकर किरण बेदी अन्ना हजारे के साथ फिर जनता के बीच आई। लेकिन दूसरी तरफ लोकपाल आंदोलन से उठे केजरीवाल लोकसभा के सपने देखने लगे। आप लोकपाल में नहीं इंटरेस्टेड, क्योंकि आप दिल्ली लोकहित की तो बात ही नहीं कर रहे, तो आपका इंटरेस्ट कुछ और है। आपका इंटरेस्ट लोकपाल नहीं, लोकल तो नहीं, आपका आपकी रुचि, आपकी दृष्टि पहले दिन से ही आप लोकसभा की बात करते आ रहे हो, क्योंकि जो भी आप करते हैं आपका बिल्कुल कैंपेन मोड है, गवर्नेंस मोड पे शुरू से नहीं है, पहले दिन से आपका सिर्फ कैंपेन मोड है कि मैं कैंपेन कैसे करूं, ऐसी चीज कैसे। कभी आप धरने पे बैठते हैं, कभी आपके मंत्री, और हर चीज आप पहले मीडिया को लेके जाते हैं, चाहे वो आपके मंत्री हैं चाहे कुछ है, हर चीज आपका 100% कैंपेन ओरिएंटेड है। तो हम तो प्रशासन मांगते हैं, आपको लोगों ने इलेक्ट किया था प्रशासन के लिए, आपको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, मेरा ख्याल है प्रशासन के लिए। प्रशासन कहा है, ये तो सिर्फ डिसरप्शन है। केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता मिल चुकी थी, किरण बेदी अब भी सियासत से दूर थी, लेकिन सोच का टकराव जारी रहा। धरने की राजनीति पर किरण बेदी ने बार बार सवाल किए। आंदोलनकारी रहे जबकि एक्चुअली संचालक हो जाना चाहिए था। लगता है कि आंदोलन की आदत छूटी नहीं, और वो सोचते हर चीज का जवाब आंदोलन ही है। ये नहीं पता कि आंदोलन से ही तो सरकार बनी है आपकी, अब तो सरकार चलाने का समय था ना, तो वो है ना, आंदोलनकारी से संचालक नहीं बने। तो मैं समझती हूँ कि ये वोटर्स के साथ अब थोड़ा सा वोटर्स को मे में एक प्रश्न आएगा कि क्या वाकई में मैंने सही व्यक्ति को वोट दिया। आम आदमी के नाम पर जो सियासत शुरू हुई वो मौका परस्ती की राजनीति में बदलने लगी। नतीजा, केजरीवाल का जनाधार कमजोर होने लगा। इस बीच केंद्र में बदलाव की दूसरी बयार उठी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब बारी आंदोलन से राजनीति की नहीं, राजनीति में आंदोलन की थी, जिसकी शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे नारों के साथ हुई। नरेंद्र मोदी ने किरण बेदी को क्लीन इंडिया मिशन का एम्बेसडर बनाया। किरण बेदी ने भी इस बदलाव को मंजूर किया और मोदी का साथ देने आगे आ गई। झाड़ू को वोट का निशान नहीं बल्कि स्वच्छ भारत की पहचान मानकर हाथों में थामा। के लिए कोई पैसा नहीं लगता, ये विचार सिर्फ नियत मांगता है, निश्चय मांगता है, डिटर्मिनेशन मांगता है, त्याग मांगता है और इंटेग्रिटी मांगता है, ईमानदारी मांगता है। साथियों, मैं तो अपने देश को समर्पण कर रही हूँ। जो जिंदगी, जो सेहत भगवान ने बाकी बख्शी है, जितनी देर मैं दे सकूंगी जरूर दूंगी। मैं समर्पण कर रहा हूँ। हम मिशन मोड पे काम करेंगे। अब हमारा बीजेपी का हर कार्यकर्ता मिशन मोड पे होगा। किस मोड पे होगा? मिशन मोड पे होगा। सोशल रेवोल्यूशन के लिए, चाहे स्वच्छता है, चाहे साक्षरता है, चाहे स्किल्स है, हर चीज में हम उस मिशन मोड में होंगे। और हम अब अपने प्रधानमंत्री जी का वो सपना, उन्होंने कहा है किरण, मुझे उन्होंने कहा है दिल्ली तो वर्ल्ड क्लास सिटी होनी चाहिए। ये सब उन्होंने बोला है, वर्ल्ड क्लास सिटी होनी चाहिए। पहले मोदी के क्लीन इंडिया मिशन का चेहरा बनी किरण बेदी अब सिर्फ बीजेपी का नया चेहरा ही नहीं बल्कि बीजेपी में उम्मीद की नई किरण भी बन चुकी हैं। दिल्ली में तमाम सुधारों को अंजाम देने वाली, दिल्ली के संदर्भ में अलग तरह की एक सोच रखने वाली, ऐसी जिन्होंने अन्ना के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसी श्रीमती किरण बेदी जी। मैं भारतीय जनता पार्टी में आपका हृदय से, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक ही आंदोलन के दो चेहरे आमने सामने हैं, फर्क सिर्फ झंडों का नहीं, पार्टी के नाम का नहीं बल्कि बदलाव की सोच का भी है। पहले वर्दी की किरण, फिर आंदोलन की किरण, आज कमल की किरण बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई बी सिविल।